We will be beta devoting few minutes on Kepler's laws of planetary motion. Let us concentrate upon these. सिलेबस आपने सारा डिटेल में देख लिया है. एक मिनट, आपके ग्रुप में मैंने बार बार रिपीटेडली सिलेबस डाला हुआ है. हैव यू गॉन थ्रू द सिलेबस ऑल ऑफ यू? मैं फ्रीक्वेंटली भेजता ही रहता हूँ. आप ये बताइए कि कब नहीं भेजा. 15 दिन के बाद मैं रिपीट करता रहता हूँ सिलेबस की, बच्चों को पता चलता जाए. कोई बात नहीं, आज मैं आपको आपके ग्रुप में एक बार फिर से सिलेबस जो है वो डाल दूंगा. आप सिलेबस ध्यान से देखिए और अकॉर्डिंगली जो भी आपके कंसेप्ट्स हैं, जो भी आपका काम है करने वाला, उसको कंप्लीट करिएगा. तो मैं एक्सरसाइज पे फोकस कर रहा हूँ. जरा आपका ग्रेविटेशन का ऑलरेडी जो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट कर रखा है, तो आइए. चलो कोई बात नहीं, मैं एक्सरसाइज की तरफ डिस्कशन. कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपने किए भी थे और बाकी के मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. सिलेबस का अपडेट आपको आज मिल जाएगा और जो भी कुछ अगर आपका छोटा मोटा पार्ट अगर नहीं भी हुआ होगा तो वी विल फिनिश दैट टुमारो, राइट? किसी बच्चे को कोई शक? एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दीजिए सारे स्टूडेंट्स. पहला क्वेश्चन हमने बेटे ऑलरेडी कर लिया हुआ है. डिस्टेंस को अगर आप हाफ कर दें, ट्रिपल कर दें, डबल कर दें, वन थर्ड कर दें, वन हाफ कर दें, देन ऑल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स विल बी चेंजिंग. दैट यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. प्रॉब्लम नंबर टू सुनिएगा ध्यान से. ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस. व्हाई देन ए हैवी ऑब्जेक्ट डजंट फॉल फास्टर देन ए लाइट ऑब्जेक्ट? यस बेटा, बैठिए बेटा. इन द केस ऑफ बेटे फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो डिवेलप होती है ऑब्जेक्ट्स में जब वो फ्रीली फॉल करते हैं, दैट इज इट इज सेम. एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपके जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं दे फॉल एट द सेम टाइम. यस, बैठिए. आप बेटे एक हैवी ऑब्जेक्ट ले लो, एक लाइट ऑब्जेक्ट ले लो. आपका एक मैं एक्टिविटी सजेस्ट कर रहा हूं. अगर आप एयर की रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें तो आपका हैवी और लाइट ऑब्जेक्ट्स जो हैं दे बोथ विल फॉल ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम. दोनों में आपका बराबर का ही टाइम जो है वो लगता है. तीसरा क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सर्फेस? ये न्यूमेरिकल आप ऑलरेडी कर चुके हैं. 9.8 न्यूटन हमने निकाला भी था. हमने थर्ड क्वेश्चन में हिंट फिर भी आपको दे देता हूं. आपने अर्थ इमेजिन किया था और अर्थ की सरफेस पे 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट प्लेस किया. एंड व्हाट इज द मास ऑफ द अर्थ? और भी कोई बोलेगा प्लीज? यस, वेरी गुड, वेरी गुड. 6 × 10^24 kg एंड नहीं भाई, यस बेटा, दिस वाई रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? यूनिट्स मीटर्स. गुड. अर्थ के सेंटर से लेकर अर्थ की सरफेस तक जो डिस्टेंस है रेडियस ऑफ द अर्थ कहलाएगा. ये 6.4 × 10^6 meters का होता है. आप ऑलरेडी यहां पे दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल चुके हो. फॉर्मूला मैं दोबारा फिर से एक बार आपको गाइड कर देता हूं. जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, राइट? कितना आया था कैलकुलेट करके? 9.8 न्यूटन. अरे न्यूटन,
क्वेश्चन नंबर फोर, प्रॉब्लम नंबर फोर, पॉइंट नंबर फोर. द अर्थ एंड द मून दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद ए फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और सेम एज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट द अर्थ. वाई? यस. फिर से बोलिए एक बार बेटा. दे हैव द पावर. क्वेश्चन फिर से सुनिएगा एक बार, सारे स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा. द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर. एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों. आपको उन्होंने पहले ही बता दिया है, दे आर अट्रैक्टिंग. बट एक मिनट गुड़िया, डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद द फोर्स विच इज ग्रेटर और स्मॉलर और सेम एज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट द अर्थ. क्यों? स्टैंड अप. किसका? तो मून ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा. नहीं नहीं बेटे, एक बार प्लीज सेंड एंड देन एक्सप्लेन. बैठिए बैठिए बैठिए. गुड बेटा, सुनो बेटा, सारे स्टूडेंट सुनो. आपके दोनों जो प्लैनेट्स हैं, अर्थ है और आपका जो मून है बेटा, इनके एक मिनट बेटा, एक मिनट आपको मौका देते हैं. इनके ये अर्थ मान लीजिए, ये मान लीजिए मून है. क्वेश्चन नंबर फोर है ये. इनके सेंटर्स के बीच में कुछ डिस्टेंस आपको ऑलरेडी पता है, जितना भी है. नहीं पता है तो आपको टेबल्स में अवेलेबल होता है. अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ और मून अर्थ को ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. डिस्टेंस दोनों के बीच में बराबर ही है. जितना फोर्स ये होगा उतना ही होगा, लेकिन इसका मास अर्थ का जो है ये बेटा मून के मास से डिफरेंट है. सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन द मून. मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओनली 1/6 होती है और यहाँ के अर्थ के कंपेरिटिवली. और लेकिन अब एक क्वेश्चन मैं साथ में एडिशनल पॉइंट अपनी तरफ से ऐड कर देता हूं. अगर दोनों अट्रैक्ट करते हैं तो मून अर्थ पे गिर क्यों नहीं जाता? बिकॉज मून जो है yes, इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज यूज्ड अप इन प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स सो दैट द मून कैन रिवॉल्व इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. बेटे एक मिनट बैठिए. जब आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं तो आपने ऑलरेडी बेटा ये सारा सॉल्व करके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी बना चुके हैं. जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, यू विल कीप ऑन गेटिंग द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज सच. राइट बेटा. प्रॉब्लम नंबर फाइव. If the moon attracts the earth, then why does the earth not move towards the moon? Yes? Because the mass of the earth is bigger than the mass of the moon. Yes, you can say like this also. Moon ke comparatively earth lagbhag 100 times heavy hai. Aapne already baat ki bhi hui hai. To wo jo movement hai, that is unnoticed or not there. Nahin, wo to hai hi hai. अब अर्थ अर्थ मून के राउंड अबाउट नहीं रिवॉल्व कर रही है, मून अर्थ के राउंड अबाउट रिवॉल्व कर रहा है. और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज यूज्ड अप इन प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स ओवर देयर. राइट? दिस वाई ऑल वेल. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बोलिए.
सर मुझे सेकंड प्रॉब्लम आपने समझाई वो समझ नहीं आई, एक बार फिर से समझा दो। सेकंड प्रॉब्लम कौन सी है? बेटा फ्री फॉल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चाहे कोई हैवी ऑब्जेक्ट है चाहे लाइट ऑब्जेक्ट है, सेम होता है। तो एयर का रेजिस्टेंस अगर आप इग्नोर कर दोगे, दे विल टेक सेम टाइम टू रीच द सरफेस ऑफ अर्थ। एक बार देखिएगा बेटा। हाँ जी ओके सर, मैंने इसीलिए बोला है कि अगर आप एयर का रेजिस्टेंस इग्नोर कर दें। यस एक मिनट ध्यान दीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर सिक्स, रुक जाओ जरा, रुक जाइए जरा। वेरी स्ट्रेंज, रिपीटेडली वही बात कहनी पड़ रही है। What happens to the force between the two objects if the mass of one object is doubled? Wait करिएगा जरा एक मिनट बेटा। Distance between the objects is doubled and tripled. The masses of both the objects are doubled. This is very important question. आप hint देखिए, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। जब आप बेटा gravitational force की बात कर रहे हो तो आपके पास directly ये वाला रिलेशनशिप अवेलेबल है। अब ध्यान देना, एक ऑब्जेक्ट का मास अगर डबल करोगे तो आपका एम डैश ट्वाइस एम हो जाएगा और नया फोर्स आ जाएगा जी एम डैश एम अपॉन आर का स्क्वायर। टाइम कौन पूछ रहा है? एम डैश ट्वाइस एम m अपॉन आर स्क्वायर, इस टू को बाहर निकाल लो, इसको f लिख दो, डबल हो जाएगा। और जब आप ये डिस्टेंस डबल कर रहे हो r को, तो r डैश आपका 2r हो जाएगा। आप स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर की जगह पे 4r स्क्वायर आ जाएगा, राइट? इट विल नॉट बी 1/4 टाइम्स बट विल बी 1/4, ठीक है जी। यहाँ पे आपका फोर्स, जब डिस्टेंस आपने डबल कर दिया, नए वाला फोर्स इट विल बी 1/4 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू। और अगर इस डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया जाए, देन व्हाट विल बी द केस? स्टैंड अप। डिस्टेंस ट्रिपल किया, देन व्हाट विल बी द न्यू फोर्स? थ्री का स्क्वायर कितना होता है? तो सिक्स कैसे आ गया? तो एफ डैश विल बी, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, 1/9 टाइम्स है, वेरी नाइस, नाइसली एक्सप्लेन। और अगर कहीं दोनों मासेस डबल कर दिए जाएं, स्टैंड अप, व्हाट विल बी द न्यू फोर्स? दो मास, फोर फोर एफ, इट इज फोर एफ, फोर टाइम्स, बोलिए ऐसे बोलिए, फोर एफ नहीं करिए। ये मास डबल किया, और सुनो सुनो पुत्र, ये इतना हो गया, इसको डबल किया, इतना हो गया, यस यस यस, तो आपका फोर टाइम्स हो जाएगा। हिंट आपको बता दिया, दीज वॉइस मैं बताता हूँ बेटे, एक मिनट सुनिएगा ध्यान से, हम डैश क्यों लगा देते हैं? लिसन डियर चिल्ड्रन, सर डैश क्यों लगाते हैं जब नई फोर्स कैलकुलेट करते हैं? इसका जवाब सुनिए, जो इनिशियल वैल्यू ऑफ फोर्स है बेटा, उससे नई फोर्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट लगा दिया जाता है, ताकि आपको पता रहे कि पहली वाली फोर्स कौन थी और अब जो आप नई वाली कर रहे हो वो कौन सी है। बिल्कुल 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 ठीक आपने कहा, वेरी राइट, यस, यू वांट टू से समथिंग, देन बी गुड लिसनर्स। एक मिनट प्लीज, एक मिनट, आइए आगे बात करें। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? It gives us the force of attraction between the two objects present in the universe.
they may be anywhere present in the universe, we can calculate the force. And listen, gravitational force is one of the weakest forces known in nature. This might be well known to you, right? Yes, sir. Yes, sir. Problem number 8. What is the acceleration of the pre-fall? Last gudiya, acceleration of the pre-fall kitna hota hai? Very nice. It's 9.8 meter per second square. CGS units में अगर calculate करना तो कितना होगा ये second last y? CGS units में कितना होगा? G की value CGS units में कितनी होगी बच्चे? बैठो. No. ये CGS में वैल्यू है. आप क्या करते हो आप? आपको मीटर के सेंटीमीटर नहीं बनाने आते क्या? कहाँ आपको ले जाते हो? वेरी स्ट्रेंज. तो CGS का मतलब क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड. आपको वेरी फर्स्ट पीरियड में CGS और MTS और SI. हाथ नीचे. एक मिनट वेट कर लो जरा. प्रॉब्लम नंबर 10. अमित buys few grams of gold at the poles as per the instructions of one of his friends. He hands over the same when he meets him at the equator. Will the friend agree with the weight of the gold bought or not? Sir. If not, why? बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. मास की बात उन्होंने बिगनिंग में की है. फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड, ग्राम मास का यूनिट है, तो मास में तो कोई चेंज आएगा नहीं. लेकिन वेट में, स्टैंड अप, क्या चेंज आएगा वेट में? सर वेट जो होगा ग्रेविटी है. सर एक मिनट रुको, उसको बोलने तो दो. मास इज इक्वल टू वेट कैसे हो गया? एक मिनट. उल्टा बोल रहा सर, मैं जानता हूँ. मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो चलते जो होता है. एक मिनट, उसको बोलने तो दो. पोल्स पे जो ग्रेविटी होती है वो ज्यादा होती है. और जो बैठ जाओ. ठीक है, पोल्स पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन कंपैरिजन टू द इक्वेटर ज्यादा होती है, और एज ए रिजल्ट जब पोल से इक्वेटर पे आएगा तो वेट थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा. प्लीज स्टैंड अप. पोल्स पे बैठिए. जब भी आप गोल्ड परचेज करते हो, आप मास की बात करते हो, वेट की नहीं करते. तो मास ये कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. राइट बेटा? तो आपका प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 11. व्हाई विल ए शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू ए बॉल? स्टैंड अप. सर ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस. हाँ, एयर रेजिस्टेंस से क्या होगा? बैठ जाओ. बैठिए. जब भी आपका शीट एज सच आप ड्रॉप करोगे, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से उस पर आप थ्रस्ट एक्ट करेगा, और उस आप थ्रस्ट की वजह से आपका शीट अगर क्रम्बल्ड नहीं है, वो कम आपका जो है स्पीड से फॉल करेगा, एंड दैट विल टेक लॉन्गर टाइम इन कंपैरिजन टू दैट
of a crumbled piece of paper, right? Yes, sir. Question number 12. Gravitational force on the surface of the moon is only 1/6 as strong as the gravitational force on the earth. What is the weight in newtons of a 10 kilogram object on the moon and on the earth? ये आप कर चुकी हो वैसे तो. मास आपको 10 किलोग्राम दिया हुआ है और वेट ऑन द अर्थ इट इज एम इंटू जी आ जाएगा 10 इंटू 9.8 और जी मून पे जो है 1/6 ऑफ जी ऑन द अर्थ है तो वेट मून पे जो होगा 1/6 टाइम्स वेट ऑन द अर्थ हो जाएगा और एक मिनट वेट कर लो बेटा कितना बन जाएगा आप किस चीज की बात कर रहे हो उत्तर आप किसकी बात कर रहे हो मैं वेट की बात कर रहा हूं आप शायद जी की कर रहे हैं सी दिस राइट बेटे सारे तो आप ऐसे कह रहे हैं पता नहीं कितने लंबे चौड़े आप ऑलरेडी कर चुकी हो ये क्लास में यस नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 13 ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड आप को डायग्राम की हेल्प के साथ मैं थोड़ा इंडिकेट कर देता हूं एक बॉल है ये अर्थ का सरफेस है और अर्थ के सरफेस से एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है और 49 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी है स्मॉल यू रिपीट करूंगा ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद द वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट रीचेस सेकंड लास्ट गुड़िया मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा ये बैठिए बिना सोचे कभी नहीं बोलते हैं सेकंड इक्वेशन कैसे यूज करोगे आप आपको निकालना है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड सेकंड इक्वेशन में क्या करोगे आप बैठिए सेकंड भी लग सकती है थर्ड भी लग सकती है दोनों लग सकती है सर थर्ड इक्वेशन आपका थर्ड इक्वेशन लगाना बेटर रहेगा सेकंड लग जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2gh होता है हाईएस्ट पॉइंट पर आपका बॉल फॉर ए मोमेंट रेस्ट पे आ जाएगा 0 माइनस 49 का स्क्वायर 2 टाइम निकालना पड़ेगा आपको बेटे पहले फर्स्ट इक्वेशन लगाकर यस 2 इंटू 9.8 इंटू एच और ये कट जाएगा साइन आपका 2 4.9 इंटू एच में 9.8 को मैंने ऐसे स्प्लिट करके लिखा है बिकॉज जब मैं ऐसे करूंगा तो सीधा ही 10 आ जाएगा एंड एच आपके पास आ गया 49 इंटू 10 अपॉन 2 नीचे चला गया तो ये कैलकुलेट करके देख लेना सो मैनी मीटर इट विल बी राइट देख लीजिएगा कैलकुलेट करके रुक जाओ जरा कोई नहीं होता कुछ नहीं होता
सेकंड है पार्ट इसी का, टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सर्फिस ऑफ द अर्थ दिस गर्ल, टाइम टोटल टेकन बाई द बॉल टू गो अप एंड देन टू कम डाउन, स्टैंड अप, टाइम टेकन बाई द बॉल टू गो अप एंड देन टू कम डाउन, तो सॉल्व करना ही है फिर आप ही करोगे, जल्दी से करके बताइए, बी क्विक, बी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, याद है कि भूल गए, जीरो 49 माइनस 9.8 इंटू टी 49 पांच सेकंड ऊपर जाने का, पांच सेकंड नीचे आने का, टोटल टाइम विल बी एन, बैठ जाओ, टोटल टाइम आपका टाइम ऑफ असेंट और डिसेंट हमेशा बराबर होता है, आप कैलकुलेट करके जरूर देखिएगा, यस yes. एक मिनट, कौन से वाला लगा लो, लग जाएगा, टाइम टोटल निकालने के लिए आपको ऊपर जाने वाला टाइम और उसके बाद नीचे आने वाला, दोनों टाइम जो है उनको ऐड करना पड़ेगा, जितना टाइम कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाने के लिए लेता है उतना ही नीचे आने के लिए लेता है, आप प्रूव कर सकते हो ये, करेक्ट, सोचना बैठ के जरा, आगे है दिस गर्ल, कर लो नोट, प्रॉब्लम नंबर 14, शी इज नॉट सिटिंग प्रॉपरली इन द क्लास, ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 19.6 मीटर, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं कल करवा दूंगा आपको, थैंक यू ऑल।